जिले के तलेन थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट की घटना के आरोपियों को टीम बनाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता कर किया। तलेन थाना क्षेत्र के सरसखेड़ी में हुई लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया। पीड़ित आवेदक महेंद्र सिंह राजपूत ने सहकारी समिति सचिव को बैंक ऑफ इंडिया सुजालपुर से 65,000 रुपये निकाल कर दिए थे। घर वापस लौटते समय मोटरसाइकिल 3 अज्ञात आरोपियों ने महेंद्र से कट्टा दिखाकर लगभग 65,000 रुपये की लूट की थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 25,000 नगदी समेत रिवॉल्वर और बाइक भी जब्त की है। लूट का एक और आरोपी अब भी फरार है, जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पता बताने वालों को 5,000 का इनाम घोषित किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को भी पुलिस अधीक्षक ने 5,000 का इनाम देने की घोषणा की। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 22 तारीख को तलेन में सरसखेड़ी है, इसके पास महेंद्र सिंह राजपूत हैं, जो कि सहकारी दुग्ध समिति के सचिव हैं। ये अपना बैंक ऑफ इंडिया सुजालपुर से करीबन 65,000 रुपये निकाल कर अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, और इसी दौरान इनको 3 अज्ञात व्यक्तियों ने एक पल्सर मोटरसाइकिल पर रोककर कट्टा दिखाया और इनसे 65,000 रुपये की लूट कर ली गई थी। इस घटना की तुरंत सूचना प्राप्त होने पर करीब 8 मिनट में ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी, और इसमें काफ़ी प्रयास किया गया। जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनको अलग जगह से हमने पकड़ने का प्रयास किया, और इसी तारतम्य में हमें उनका रूट भी पता चला और उनकी कुछ पहचान संबंधी हमको साक्ष्य भी मिले, जिसके बाद तत्काल SDOP सारंगपुर और थाना प्रभारी तलेन इनके मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया था। और इसमें अभी हम लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें से एक आरोपी अजय उर्फ गोलू मीना पुराना लूट का अपराधी है। इसके ऊपर 307 का मुकदमा भी दर्ज है और ये अभी हाईकोर्ट में अपील पर गया हुआ है, इसलिए बेल पर बाहर है। इस प्रकरण में इसकी गिरफ्तारी होने के बाद हम इस बेल को निरस्त कराने के लिए भी कोर्ट जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक जो धर्म सिंह उर्फ पप्पू हैं, ये भी मानपुरा गुजराती थाना कुरावर का है। इन दोनों से करीब 25,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का देसी कट्टा और इसके अतिरिक्त 3 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। प्रकरण में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पकड़ के लिए हमने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। ये रामदयाल मीना काला पीपल शाजापुर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर एक मर्डर का पुराना प्रकरण दर्ज है और ये पहले भी श्यामपुर थाने में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये जो पुरानी घटनाएं हैं, इन सभी में हमने स्पेशल टीम और हमने अतिरिक्त बल सभी जो PHQ से प्राप्त हुआ था सभी थानों में उपलब्ध कराया है, और लगातार इस तरह की आसूचना का संकलन किया जा रहा है कि किस तरह के अपराधी हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 10 साल के जो अपराधी हैं, ऐसे 1500 अपराधियों को हमने अभी तक चिन्हित किया है। इनका नए सिरे से हम एक ऑनलाइन डॉजियर फॉर्म बनवा रहे हैं, जिसमें इनका लेफ्ट राइट और साइड प्रोफाइल, लेफ्ट राइट और फ्रंट प्रोफाइल होगा, और इसको हम ऑनलाइन अवेलेबल रखेंगे, जिससे जैसे भी कहीं कोई घटना होती है तो तत्काल इसको उपलब्ध कराएगा।